हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृष्णा और स्वागत है आपका मेरे चैनल बन मस्का पे। तो आज की लैंडोर की वीडियो में हम बहुत ही मजेदार जगह पे जाने वाले हैं, जो कि यहाँ का सबसे फेमस डेस्टिनेशन माना जाता है। और उसके आगे हम चलेंगे धनौल्टी की ओर, जो उत्तराखंड का एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और आगे भी ऐसे मजेदार वीडियोस एंजॉय करने के लिए सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर लाल टिब्बा व्यू पॉइंट और कैफे से। तो सबसे पहले ये कैफे ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस है लैंडोर में। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि ये लैंडोर में सवॉय कैफे के ठीक सामने है, जो कि एक फेमस होटल चेन है। यहाँ काफी सारे सेलिब्रिटीज भी आना पसंद करते हैं। तो आपको अगर कुछ कैफे से खाना भी नहीं हो तो बस 50 रुपए एंट्री फी दे के ऊपर आ सकते हो यहाँ के खूबसूरत हिमालयन व्यूज एंजॉय करने। और अगर आप ऊपर जाके कुछ ऑर्डर करते हो तो वो एंट्री फी वाले चार्जेस नहीं लगते। तो यह है इनका फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे क्लोज स्पेस है। अगर आप बारिश वगैरह में आते हो तो आप यहाँ बैठ सकते हो, पर हम गए थे यहाँ के टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे इनका व्यू पॉइंट है। यहाँ पे इन्होंने बाइनाकुलर्स भी रखे हुए हैं और नजारे तो बेहद प्यारे हैं चारों ओर से। पर मौसम ठीक ना होने के कारण हमें हिमालयस के व्यू तो नहीं दिखे, और हमने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया और खूब सारा खाना जरूर एंजॉय किया यहाँ पे। आए हुए चटनी है, मेवा है, आई कैन सी मस्टर्ड सॉस है, टबैस्को दिया हुआ मैंने, मेरा सैंडविच और कॉफ़ी आ रही है। यहाँ पे वैसे काफ़ी भीड़ हो जाती है, बिकॉज बाइनाकुलर से सबको देखने होते हैं रेंजेस, हिमालयन रेंजेस जो दिखते हैं यहाँ से। बट आज वेदर इतना कुछ खास नहीं है तो इसलिए नहीं दिख पा रहे, बट स्टिल फूड भी बहुत अच्छा है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं यहाँ आना। सो इन्होंने फोटो एल्बम में इनका मेन्यू डाल रखा है, अलग अलग पिक्चर्स डाल रखी है इसमें। नीचे वैसे प्राइजेस के साथ भी मेन्यू है, तो आप देख सकते हो कि कौन सा कितने रुपए का है वैसा। बट दे हैव दिस इंटरेस्टिंग पिक्चर्स ओवर हियर व्हिच यू कैन सी, देयर बर्गर्स, देयर पिज्जास, पास्तास, फ्राइज, शेक्स एंड ब्राउनी इज फेमस। एंड मैंने इनका ऑर्डर किया है कॉफी और इनका फेमस बेक्ड सैंडविच, देखते कैसा टेस्ट करता है। तो सैंडविच देखकर तो बिल्कुल पेट भर सा गया था, जो कि आप देख सकते हो क्यों, बिल्कुल चीज से लोडेड और पिज्जा वाली सारी टॉपिंग्स थी इसमें। और ये सैंडविच 3-4 लोग तो आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ हमने मंगाई थी ये सुपर क्रीमी कॉफी, जो बहुत ही टेम्प्टिंग दिख रही थी। ये खाना बहुत मेसी होने वाला है, तो आप देख सकते हो, मैं दिखाती हूँ आपको। आप इसके नीचे आप लेयर्स देख सकते हो, इसमें काफी सारे वेजीज डाले गए हैं। तो चीज तो एकदम बिल्कुल भर भर के डाला गया है, कॉर्न्स है, टमेटोज है, कैप्सिकम्स है, पेपर्स है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट पिज्जा वाली टॉपिंग्स इन अ सैंडविच, और ये बहुत ही फिलिंग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा आई एम श्योर। तो मुझे लगता मैं ये फोक या नाइफ से खा पाऊंगी इसको, मैं प्रेफर करूंगी हाथों से खाना, जो कि टेस्ट भी बढ़िया लगेगी और खाने में भी फुलफिलमेंट आएगी थोड़ा सा, इसलिए सुख हाथों से खाने में आ जाएगा ये सैंडविच आई एम श्योर। इस द फर्स्ट बाइट जो मेरे हाथ में आ पाया है, इसमें हल्के से सॉस डालूंगी और मैं ट्राई करूंगी इसको सिर्फ सॉस के साथ। काफ़ी मेसी होगा खाना, बट बहुत ही यमी है, बिल्कुल पिज्जा वाला टेस्ट है। बट सैंडविच में लाइक दिस इज लाइक मस्ट ट्राई वेज बेक्ड सैंडविच ओवर हियर एट लाल टिब्बा कैफे। मैंने जो कॉफ़ी ली है, काफ़ी देख सकते हो आप इसका टेक्सचर ही कितना क्रीमी है, इट्स नॉट एट ऑल पानी पानी वाली कॉफ़ी। सो लेते हैं कॉफ़ी का पहला सिप, चीयर्स। टू गुड, बिल्कुल बैलेंस्ड है कॉफ़ी, नॉट एट ऑल स्वीट जैसे मुझे पसंद है। सो आप उनको बता सकते हो आपको कैसी कॉफ़ी चाहिए, आप मीडियम, माइल्ड या स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। और ये कॉफ़ी बहुत ही बढ़िया बनाई है इन्होंने, टेक्सचर बहुत क्रीमी है। और ऐसे मौसम में तो गर्मा गर्म कॉफी पीना तो बहुत ही मजेदार रहा यहाँ के व्यूज एंजॉय करते हुए। पहले तो ये खत्म करेंगे, पता नहीं इसके बाद कितनी जगह बचेगी पेट में। तो नेक्स्ट जगह चलते हैं थोड़ी देर में,
तब तक के लिए मैं एंजॉय करती हूँ ये, और आप एंजॉय कीजिए वीडियो। और बस खा पी के हमने काफी अच्छा वक्त गुजारा यहाँ पे। वैसे अगर आप आओ तो इनके होम ग्रोन जैम्स, जूसेस और कई सारी चीजें साथ भी लेके जा सकते हो। तो ओवरऑल मेरा लाल टिब्बा का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और बस यहाँ से बाहर आते ही हमें ये अंकल मिले जो यहाँ पे ऑथेंटिक पहाड़ी अचार सेल कर रहे थे। और इनके पास तो इतने वैरायटी के अचार थे जितने तो मैंने कभी सुने भी नहीं थे। यहाँ का स्पेशल पहाड़ी ऑर्गेनिक पिकल्स है विदाउट केमिकल। और ये यहाँ का जो खास स्पेशलिटी, जैसे यहाँ का टर्मरिक वो अच्छा है यहाँ का, और जैसे यहाँ का पहाड़ी करेले का अचार, यहाँ का रॉकेट चिली, एक यहाँ की सिलबट्टे वाली चटनी बनाई जाती है, वो यहाँ का बहुत ही स्पेशल है। तो यहाँ से ये ऑल ओवर इंडिया के अलावा जो आउट ऑफ कंट्री में भी जाता है यहाँ। दिस इज नो प्रिजर्वेटिव्स, नो केमिकल्स, ये लोकल ही बनता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ हमारा ये खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा। और लोकल ये जितना भी फ्रूट है ये सब यहाँ का जो है लोकल आता है, जैसे चिली भी लोकल है यहाँ का, गार्लिक, ये सारी चीज़ यहाँ का लोकल होता है। अच्छा। वो इसलिए हम लोग नीचे से कैरी नहीं करते क्योंकि नीचे फर्टिलाइजर्स होता है और पहाड़ों में कोई फर्टिलाइजर नहीं होता इसका, इसलिए इसकी यहाँ का ये बहुत फेमस है यहाँ का चिली। दूसरा ये यहाँ पर एक ये चिली भी आता है यहाँ का, ये है स्पेशल यहाँ का पहाड़ी चिली आता है ये। तो इसका जो पिकल्स बनाया जाता है सुपर, थोड़ा चिली ये तेज़ होता है, रॉकेट चिली होती है, लेकिन इस गुड चिली यहाँ का। ये अति स्पेशल चटनी, सिलबट्टे वाली चटनी बनाई जाती है। इसमें जो इरेजिंग जो होता है इसमें गार्लिक और ये जो रेड चिली मैंने आपको दिखाया था वो, और यहाँ का जिंजर। सॉरी, शेल्फ लाइफ क्या होती है वैसे? 1 ईयर्स। अच्छा, 1 ईयर का। हाँ, एक साल वैसे तो ज़्यादा ही है, एक साल तो देनी ही पड़ती है। लाल टिब्बा के एग्जैक्टली बाहर ये अंकल बैठते हैं जहाँ पे ये पहाड़ी पिकल चटनीज वगैरह सेल करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, मैंने खा रखे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो मेक श्योर कि आप एक हाथ बोतल तो ज़रूर लेके जाओ अपने घर पर। और कुछ ही देर बाद हमारा प्लान बना और हम चल पड़े धनौल्टी की ओर, जो 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और हमें जाना था सुरकंडा देवी टेम्पल, जो धनौल्टी से कुछ 10 किलोमीटर आगे है बस। ये एक बहुत ही सुंदर मंदिर है और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो आप अगर कभी उत्तराखंड आते हो तो यहाँ जरूर आइएगा। और यहाँ धनौल्टी में आसपास और भी कई सारी खूबसूरत हिल स्टेशंस और घूमने की जगहें हैं। पर जिस समय हम वहाँ पहुंचे काफी तेज आंधी आई हुई थी और रोप वे भी बंद कर दिया गया था, तो हमारे दर्शन तो इस बार नहीं हो पाए, पर वापस जरूर जाएंगे। और फिर बहुत ठंड बढ़ने के कारण हम एक दुकान के अंदर आके बैठे थोड़ी गर्मी के लिए, और वहाँ देखा तो अंकल राजमा चावल बना रहे थे। तो हमने बढ़िया से बैठकर एकदम टेस्टी पहाड़ी राजमा चावल और चटनी और कुछ कटलेट खाए, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे। तो हमने बढ़िया से राजमा चावल तो खा लिया अंकल के पास, और भांग की चटनी मिलती है यहाँ पे, और उसके बाद हमने लिए ये गर्मा गर्म कटलेट। मैं तो चटनी के लिए लिया ये कटलेट, वैसे मज़ा आ गया। बहुत ठंड है। थोड़ी देर रुके मौसम ठीक होने के लिए, पर बाहर आके देखा तो फिर भी रोपवे चालू नहीं हुआ था। और फिर वापस निकलते वक्त हमने यहाँ के लोकल बाजार से कुछ पहाड़ी मसाले और दाल भी खरीदी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जगह और वहाँ के नए जायकों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे हाई इन योर क्रेविंग्स।